अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर ही कैसे विटामिन सी टोनर बनाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीरम को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 संतरों के छिलके। अब इस गर्म पानी में डालकर इसे ढककर ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ऑरेंज पील्स नहीं है तो आप लेमन पील्स भी यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको लेना है एक बड़ा मिक्सर जार, इसमें इस पील्स को पानी समेत डाल देना है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। देखिए अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको किसी बोल में छन्नी की मदद से छान लेना है। ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा और स्किन को क्लैरिफाई करेगा। इसको आपको स्टोर करके रखना है और 10 दिन तक यूज़ कर देना है। ये आपकी स्किन टोन को ब्राइटन अप करने में, स्किन को वाइब्रेंट बनाने में, आपकी स्किन को इवन टोन बनाने में और आपकी स्किन की डिसकलरेशन को रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन। लेमन में विटामिन सी बहुत होता है। लेमन आपकी स्किन को बहुत ही लाइट कर देगा। और अब हम इसमें डालेंगे विटामिन ई ऑयल। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ना डालें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक टोनर की बॉटल में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ब्राइट करेगा, आपकी सन टैन को रिमूव करेगा और ये आपकी फेस मसल्स को टाइट करेगा। आप इसे सीरम की बॉटल में भी स्टोर कर सकते हो और सीरम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, हमारा रिफ्रेशिंग विटामिन सी टोनर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। इसको लगाते ही आप इंस्टेंटली डिफरेंस देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।